नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे, आलू टोस्ट बनाएंगे आज हम। बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने दो आलू बॉईल करके लिए हैं, उन्हें इस तरह से मैश कर लिया है। और इसमें देखिए, मैंने एक छोटा प्याज लिया है, हरी मिर्च के साथ उसे बारीक चॉप कर लिया है। और ये थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च ली है। और इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और टेस्ट से हम नमक डालेंगे इसमें, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमारे आलू का मसाला रेडी है, बहुत कम मसालों से ये बन गया है। अब दो चम्मच देखिए, मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम पेस्ट बना लेंगे। तो ना तो इसे हमें बहुत गाढ़ा करना है, ना बहुत पतला करना है, देखिए इस तरह का रखना है इसे हमें। तो आइए अब टोस्ट बनाते हैं हम। तो ये मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इस आलू के मसाले को देखिए, हम इस तरह से इस पर लगा लेंगे। तो आप लेयर मोटी या पतली कैसी भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए, दोनों टोस्ट रेडी हैं। अब जो हमने चावल के आटे का घोल बनाया था, उसे हम इस तरह से देखिए इस पर लगा देंगे। तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो कि ये बहे नहीं ज़्यादा और आराम से आलू पर लग जाए। तो ये देखिए, दोनों टोस्ट रेडी हैं। अब एक हम नॉन स्टिक पैन गरम करेंगे, इस पर आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगाइए और इस तरह से ब्रश कर दीजिए। और इसे एक बार हमें अच्छे से गरम करना है, फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। तो देखिए, मैंने टोस्ट इस पर डाल दिया। आप ऊपर की तरफ से इस पर ऑयल या घी लगाइए और नीचे की तरफ से इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने दीजिए, जब तक कि अच्छा कलर आ जाए और आलू अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए, ये एक तरफ से कुक हो गया, अब इसे हम पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी हम बहुत अच्छे क्रिस्प होने तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये टोस्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये टोस्ट हमारे रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इजी रेसिपी है बहुत। तो आप इन्हें बनाइए और मनपसंद सॉस या चटनी के साथ खाइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।